हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एपेटाइट बस्टर में। तो आज हम लोग बनाएंगे मोमोज की चटनी। तो इसे बनाना बहुत ही इजी है, इसे घर बैठे हम लोग आराम से बना सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इसे हम लोग शुरू करते हैं। चटनी बनाने के लिए मैंने ये सारे इंग्रेडिएंट्स यूज़ किया है। मैंने 4 टमाटर यूज़ किया है जिसको मैंने कट करके रख लिया है, 12 से 15 लाल मिर्च, 1 चम्मच चीनी, नमक स्वाद अनुसार, 1 चम्मच सोया सॉस, 1 चम्मच विनेगर, 1 कटोरी तेल, कटा हुआ अदरक और लहसुन का यूज़ किया है। अब एक कढ़ाई में पानी गर्म कर लेंगे और उसमें लाल मिर्च और टमाटर डाल लेंगे। थोड़ी देर बाद इसको ढक देंगे 5 मिनट तक के लिए, ताकि मेरा टमाटर और लाल मिर्च दोनों सॉफ्ट हो जाए, तब तक जब तक मेरा टमाटर स्किन ना निकलने लगे। अब इसको हम लोग एक जार में डाल लेंगे और इसका स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। मैंने थोड़ा ठंडा होने के बाद इसको ग्राइंड किया हुआ है। अगर आपको तुरंत करना है तो आप इसमें थोड़ा सा बर्फ डाल के कर भी सकते हो, बट यही सजेस्ट करेंगे हम कि आप थोड़ा वेट करके इसको ग्राइंड करो। एक पैन में थोड़ा तेल डाल लेंगे और तेल गर्म होते ही इसमें कटे हुए लहसुन और अदरक डालकर फ्राई कर लेंगे, ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। अब इसमें हम लोग 1 चम्मच सोया सॉस डाल देंगे और अच्छे तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब हम लोग इसमें डालेंगे टमाटर और लाल मिर्च का पेस्ट और इसे भी अच्छे तरह से मिक्स कर लेंगे। इसको ऐसे ही पकने देंगे 2 से 3 मिनट तक। अब इसमें हम लोग 1 चम्मच विनेगर, 1/2 चम्मच से थोड़ा ज़्यादा चम्मच नमक और 1 चम्मच चीनी डालकर अच्छे तरह से मिक्स कर लें। इसको अब हम लोग लो फ्लेम में 5 मिनट ढक कर पकने देंगे गाढ़ा करने के लिए, या तब तक जब तक साइड से इसका पानी छोड़ना दे। ये देखिए मेरी बढ़िया सी फ्लेवरफुल गाढ़ी स्पाइसी मोमोज की चटनी बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो चलिए इसको अब हम लोग सर्व करते हैं। इसको हम लोग मोमोज के साथ एंजॉय कर सकते हैं, या कोई भी स्टार्टर के साथ इसको हम लोग एंजॉय कर सकते हैं। आप इसको ठंडे होने के बाद एयर टाइट कंटेनर में फ्रिज में रख सकते हो और आराम से 4 से 5 दिन तक इसको यूज़ कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।